तो हेलो दोस्तों क्या हाल चाल है मेरे भाई तो आई क्लाउड बाईपास को लेके काफ़ी भाइयों में मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं तो इस वीडियो में कुछ डाउट यहाँ पे कंफर्म कर देंगे लेकिन एक वीडियो यहाँ पे बनाने वाले हैं नेक्स्ट जो जो वीडियो होने वाली है वो प्रैक्टिकल होने वाली है तो यहाँ पे मैंने एक सिक्स मोबाइल किसी से बाय किया भाई टूटा फूटा सा वी फोन बाय किया है ठीक है तो इसको देखता हूँ एक दो दिन के अंदर इसको मैं तैयार करता हूँ ना इसके अंदर बैटरी और फोल्डर भी इसका टूटा हुआ है ठीक है तो इसको तैयार करने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है ज़बरदस्त होने वाली है तो भाई सबसे पहले तो ये टूल निकल के आया ठीक है, है इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये टूल भाई 100 परसेंट वर्किंग टूल है काफी भाई बोल रहे हैं कि वर्क नहीं कर रहा है कैसे वर्क करे क्या करे वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो है आई क्लाउड आई क्लाउड बाईपास करने के भाई दो तरीके होते हैं सबसे पहला होता है यहाँ पे इसमें दिया हुआ है टेंशन लेने की आपको जरूर नहीं है बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है तो सीरियल नंबर रिपेयर करके आप यहाँ पे ठीक आप देख पा रहूंगे उससे आप कर सकते हैं क्योंकि आई क्लाउड जो होता है सीरियल नंबर पे होता है जैसे आपका आर भी कोड होता है वो और सीपीयू के बीच में जो कोडिंग होती है है उस पे होता है। वैसे सीरियल नंबर रिपेयर करके आप आई, आई क्लाउड परमानेंट बाईपास कर सकते हैं लेकिन इसमें प्रॉब्लम है इसकी जो प्रॉब्लम है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ आपको जबरदस्त इसमें प्रॉब्लम आपको क्या आती है पता है इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ एड्रेस दोनों तीनों जो तीन हो गए ना वाईफाई ब्लूटूथ और सीरियल नंबर ये तीनों पेयर होते हैं यानी ये तीनों मैं सिंपल बात से मैं बताऊँ तो भाई तीनों एक भाई हैं ठीक है तीनों अलग नहीं हो सकते बिल्कुल भी अलग हो जाएंगे तो इनकी जो है पावर यहाँ पे कम हो जाएगी और उसके बाद काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी ठीक है तो इसलिए सिंपल भाषा यही है भाई तीनों के तीनों आपको रिपेयर करने होते हैं कुछ टूल ऐसे है जो ऑटोमेटिक अपडेट कर देते हैं जो है ऑटोमेटिक रिपेयर कर देते हैं वो आप इस टूल से यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है इसके अंदर यहाँ पे हेलो स्क्रीन पर बाईपास करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है और उसके बाद सीरियल नंबर रिपेयर करके भी आप इस टूल की सहायता से यहाँ पे बाईपास कर सकते हैं और भी यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तो इस टूल में आपको जेल ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है ऑटोमेटिक आपके मोबाइल को जेल ब्रेक कर देता है यहाँ पे चेक डिवाइस कर सकते हैं आपकी मोबाइल की जो डिवाइस है जो आपका मोबाइल है कनेक्ट हुआ यानी रीड आई क्लाउड इनफॉर्मेशन ले सकते हैं जो उसमें आई क्लाउड लगा हुआ उसकी इनफॉर्मेशन ले सकते हैं या बाईप करने का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया दो तरीके से आप बाईपास कर सकते हैं ठीक है इरेज ऑल डाटा जो आपकी आई ओ जो आपकी आई ओ एस मोबाइल है उसमें पंद्रह सोलह जो आई ओ एस आ रहा है उसको आप यहाँ पे इरेज कर सकते हैं जैसे फ्लैश फाइल होती है आपके एंड्रॉयड मोबाइल में वैसे ही भाई जो आपकी कंप्यूटर होता है कंप्यूटर में विंडो होती है जैसे आपका आईफोन होता है आईफोन में आई ओ एस फाइल उसे बोलते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं पंद्रह से सोलह वाले जो भी हेलो स्क्रीन वाले मोबाइल आ रहे हैं आप यहाँ पे क्लिक करके भी उसको बाईपास कर सकते हैं पासपोर्ट बैकअप ले सकते हैं पासपोर्ट एक्टिवेट कर सकते हैं सीरियल नंबर ये देखिए रिपेयर का यहाँ पे ऑप्शन आ गया ना तो इस मेथड से भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं ठीक है, है? यहाँ पे सीरियल नंबर डालना पड़ेगा उसके बाद आप इसे रिपेयर कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा और यहाँ पे सीरियल नंबर आपको अपने मोबाइल का रजिस्टर करना पड़ेगा उसके बाद ही यहाँ पर काम करेगा यहाँ पे पोर्ट आपका शो हो जाना चाहिए एक्टिवेट जरूर कर लेना और सीरियल नंबर यहाँ पे रजिस्टर जरूर करना उसके बाद ये होगा यहाँ पे सीरियल नंबर रिपेयर कर सकते हैं बूट पर्पल मोड जो भाई मेरी रेगुलर वीडियो देखता है उसको मैंने बताया था भाई पिछली वीडियो में जो आईफोन होते हैं तीन मोड होते हैं सबसे पहला तो आपका होता है भाई आप ईडियल मोड बोल सकते हैं ठीक है रिकवरी मोड में जाता है वो ठीक है उसी ईडियल मोड बोल लो रिकवरी मोड बोलो कुछ बोल लो ठीक है सबसे पहला तो वही हो गया जिसमें मोबाइल फ्लैश करते हैं कनेक्ट करवा के दूसरा आपका डीएफयू मोड होता है कुछ मोबाइल डीएफयू मोड में भी फ्लैश होते हैं और डीएफ मोड हो गया दूसरा ठीक है तीसरा होता है पर्पल मोड आप जो भी यहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं सीरियल नंबर वाईफाई ब्लूटूथ तो वो सब आपके पर्पल मोड में जब मोबाइल कनेक्ट होएगा तब होएगा ठीक है डीएफयू मोड में चला जाता है जैसे आप रिकवरी में लेके जाते हैं आसान तरीके से डीएफयू में चला जाता है लेकिन पर्पल में ले जाने के लिए थोड़ा पंगा है वो मैं आपको बताऊंगा भाई जो नेक्स्ट वीडियो फुल आने वाली है उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो जबरदस्त वीडियो लेके आने वाला हूँ बाकी आपका कुछ छोटा मोटा जो भी आईफोन सिक्स सेवन एट जो भी रुका हुआ है एक्स तक वो इससे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं एंड्रॉइड जो आईओ वर्जन है इसमें पंद्रह सोलह होना चाहिए आपके मोबाइल में ठीक है लोड पार्ट भी यहाँ पे दिए गए पार्ट यहाँ पे जो शो कर देगा आपके मोबाइल के कौन कौन से क्या है क्या वारंटी क्या है बूट डिवाइस कर सकते हैं इस जो है बूट डिवाइस बूट डिवाइस का मतलब कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइस को ठीक है फाइल रेमडिक्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे अपने मोबाइल रिकवरी में जा रहा है उसको फिक्स कर सकते हैं इरेज डिवाइस कर सकते हैं प्लस फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है फैक्ट्री रीसेट आप कब कर सकते हैं भाई सिंपल सी बात है आई क्लाउड आपके पास होना चाहिए उसके बाद ही फैक्ट्री रीसेट करें वरना आपको दिक्कत हो जाएगी पे ठीक है तो एक्टिवेट कर सकते हैं टूल को सीरियल नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा उसके बाद आप इसे ट्राई कर सकते हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार चैनल पर आया तो भाई जबरदस्त एक से एक वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई वीडियो पसंद आई लाइक करना बिल्कुल मतूल है थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई